बिस्मिलहन रहीम वालेकुम आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन आई एम योर टीचर आमना मात एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर रीडिंग अबाउट चैप्टर सेवन दैट इज अबाउट सॉल्यूशंस आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने वाले हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा सो लेट्स सी डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन यूजिंग वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, डिस्टिंग्विश अमंग सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन सेचूरेटेड एंड अन सेचूरेटेड सोल्यूशन सो सबसे पहले हमने क्या सीखा हमने सोल्यूशन की फॉर्मेशन सीखी वाटर uh, को एज अ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हुए इसके अलावा हमने सोल्यूशन सोल्यूशन uh, देखा कि सोल्यूशन क्या होता है हमने नमक और पानी को मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाया हमने देखा सोल्यूशन जो है वो होमोजेनस मिक्सचर हैं जिसमें किसी भी जगह पे आ, उस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है सोल्यूट की और सॉल्वेंट की वो सेम होती है सो so, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस हैं जो हम लार्जर अमाउंट में लेते हैं और सोल्यूट वो सब्सटेंस हैं जो हम लेसर अमाउंट में लेते हैं इसके अलावा जो सॉल्यूशन अपने अंदर मज़ीद सोल्यूट की अमाउंट एब्जॉर्ब कर सकता है डैट सोल्यूशन आर कॉल्ड अन और वो सोल्यूशन जो मजीद सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकता मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हो चुकी होती है इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो सोल्यूट क्या है डेट इज़ अ सेचूरेट सोल्यूट सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वट इज मीनड बाई आ डायल्यूट एंड कंसंट्रेट सोल्यूशन सो नेक्स्ट हमने देखा कि डायल्यूट और कंसनट्रेट सोल्यूशन क्या होते हैं वो सोल्यूट uh, जिसमें जो सोल्यूट uh, so, uh, है उसकी अमाउंट रेलेटिवली कम होती है और वो सोल्यूशन जिसमें रेलिटिवली सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है डेट आर कॉल कंसनट्रेट सोल्यूशन जो जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कम होते हैं डेट आर डायल्यूट सोल्यूशन और वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स सोल्यूट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है डेट आर कंसनट्रेट सोल्यूशन सो डेली लाइफ में टैप वाटर जो है डेट इज़ डायल्यूट सोल्यूशन क्योंकि उसमें मिनरल्स की तादाद कम होती है और ओशियन वाटर डेट इज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्योंकि उसमें साल्ट मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं सो नेक्स्ट इज डिफाइन सॉलिबिलिटी रिकगनाइज दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिजोल्व इन अ गिवन सॉलवेंट हैज़ एन अपर लिमिट नेक्स्ट हमने देखा कि सॉलिबिलिटी क्या है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉलवेंट सो ये अबिलिटी क्या है डिजोल्व होने की सोल्यूट की डेट इज सोलिबिलिटी और जो अपर जो मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व होती है डेट इज द अपर लिमिट ऑफ सोल्यूट सो हमने देखा 22 ग्राम कॉपर सल्फेट जो है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट अ गिवन टेम्परेचर वो डिजोल्व हो सकता है तो ये उसकी सॉलेबिलिटी है और जो 22 ग्राम द मैक्सिमम अमाउंट है डेट इज द अपर लिमिट ऑफ डेट सोल्यूट नेक्स्ट इज द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोलिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन असोलवेंट एंड रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिज फैक्टर्स एट होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज नेक्स्ट हमने चार फैक्टर्स देखे वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सोलिबिलिटी पे ऑफ द सोल्यूट सो टेम्परेचर जो है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और गैसेस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज uh, होती है जब हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं और जो पार्टिकल uh, साइज़ है जब पार्टिकल uh, साइज हम uh, छोटा लेते हैं तो सॉलिबिलिटी सोल्यूट की इंक्रीज होती है और पार्टिकल साइज अगर बड़ा लेते हैं तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है इसी तरह गैसेस पे जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है और सॉलिड्स और लिक्विड्स पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता उनकी सॉलिबिलिटी पे क्योंकि उनके पार्टिकल्स के दरमियान पा फासला ऑलरेडी कम होता है सो लाइट डिजॉल्व लाइक हमने देखा चौथा फैक्टर जो इसमें जो सोल्यूट sol है और जो सॉल्वेंट है उनकी नेचर सिमिलर होना जरूरी है क्योंकि इससे उनकी मैक्सिमम सोलिबिलिटी गेन की जा सकती है नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वेज ऑफ एक्सिलेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिजोलिंग मटीरियल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड रीजनिंग इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्टीरिंग ब्रेकिंग द सॉलिड इन टू स्मॉलर पीसेस इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग सो इसके बाद हमने तीन तरीके देखे बाय हीटिंग बाय बेकिंग द सॉलिड और बाय स्ट्रग हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट सो स्टरिंग में हमने देखा कि किस तरह से हम मिक्स करने से सॉलिबिलिटी uh, को इंक्रीज़ कर सकते हैं सोल्यूट की इसके अलावा जब हम सॉलिड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं तो किस तरह से उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो हीटिंग करने से पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज़ हो जाती है और वो किस तरह से उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है रेदर देन कोल्ड सॉलवेंट नेक्स्ट हमने देखा एक्सप्लोर द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस cleaning solutions इन cleaning tarnished एंड oxidized क्वाइंस नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से विनीगर और बेकिंग सोडा uh, के सोल्यूशन जो हैं डाटर क्लीनिंग सॉल्यूशंस ये टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज क्वाइंस को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं नेक्स्ट इज मेक अ रॉक कैंडी विद शुगर यूजिंग क्रिस्टल सीडिंग टेक्निक नेक्स्ट हमने रॉक कैंडी बनानी सीखी कि किस तरह से शुगर को लेते हुए एज अ सीडिंग टेक्निक हम क्रिस्टल्स बनाते हैं शुगर की फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर सो क्रिस्टलाइजेशन हम uh, किसी भी सोल्यूट की बना सकते हैं लाइक इन द एग्जांपल ऑफ रॉक कैंडी हमने रॉक कैंडी बनानी सीखी बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस तरह से हमने इवेपोरेशन के प्रोसेस से सॉल्वेंट को लहदा किया और जो सोल्यूट है उसकी क्रिस्टल्स बनाई सो नेक्स्ट इज होमवर्क बाय मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायल्यूट कंसेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन इट इन योर नोटबुक बाय अ पार्टिकल मॉडल फॉर दिस आपने क्या करना है आपने सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बनाना है उस सोल्यूशन को बनाते हुए आपने एक्सप्लेन करना है डिफ्रेंशिएट करना बताना है डाइल्यूट, कंसनट्रेट और सेचुरेटेड सोल्यूशन में विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ऑफ पार्टिकल मॉडल्स फॉर दिस थ्री सोल्यूशन डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन सो आई होप यू इंजॉयड यू इंजॉयड द लर्निंग विद मी thank you so much allah hafiz